हेलो एवरीवन, आज हम भुवनेश्वर ओडिशा का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म देख रहे हैं जो है कोकोनट शेल पेंटिंग। बहुत ही स्पिरिचुअल आर्ट फॉर्म है, इसमें कोकोनट शेल के ऊपर पेंट किया जाता है। सो फटाफट हमें पहले कोकोनट शेल के ऊपर पेंटिंग के लिए उसका बेस कैसे क्रिएट करना है वो पहले हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है 2 कोकोनट शेल हमें लेने हैं जो क्लीन करके लिए है मैंने। उसका जो सरफेस है वो सैंड पेपर से आपको रब करके स्मूथ बना लेना है। देन उसके जो एजेस है उसके ऊपर हमें फेविकॉल MR अप्लाई करना है ताकि दोनों जो एजेस है वो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। उसके जो एजेस है वो एक दूसरे से मैच करके आपको अच्छे से वो स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद शेल के जो एजेस है वहाँ पर आपको बाहर से फेविकॉल लगा के अच्छे से इवनली वो स्प्रेड कर लेना है ताकि जो जॉइन है वो आपका परमानेंटली अच्छे से पैक हो जाए। आप इसके ऊपर पेपर की जो स्ट्रिप आती है वो स्टिक कर सकते हैं या फिर क्लॉथ की एक स्ट्रिप भी आप उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो। यहाँ पे हमने पेपर की स्ट्रिप अच्छे से स्टिक कर दी है। इसके बाद जो हमने पेपर मैशे क्ले बनाया है जो पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था वो आपको इवनली कोकोनट शेल के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करना है। थोड़ा सा आपको वाटर बीच बीच में थोड़ा उसके ऊपर ऐड करना होगा तो इवनली वो क्ले स्प्रेड हो जाएगा। इस तरह से टैबिंग करके आपको अच्छे से क्ले जो है वो स्प्रेड कर लेना है और ये आपको ड्राई होने के लिए रख देना है। अराउंड 3 to 4 hours इसको ड्राई होने के लिए लगते हैं। अगर रेनी सीजन है तो आपको 1 or 2 days लग सकते हैं। ड्राई होने के बाद आपका शेल कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसके ऊपर वापस आपको सैंड पेपर से वो रब करना है। देन ऊपर का जो होल है वहाँ पे मैंने तार डाल के फेवी बॉन्ड से स्टिक कर लिया है और एक हुक बना लिया है। साइड में आप पेपर स्टिप स्टिक करके पैक कर सकते हो। ये सब आपको पेंटिंग से पहले ही कंप्लीट कर लेना है क्योंकि पेंटिंग करने के बाद ये आप नहीं कर सकते हो। बेस देने के लिए इसके लिए जरूरी है व्हाइट एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर का हमें एक पहले कोट दे देना है। आपको 2 coats जरूरी है देने के लिए क्योंकि जो क्ले है उसमें कलर एब्जॉर्ब हो सकता है। सो 2 coats आपको बेस के दे देने। ड्राई होने के बाद कोकोनट शेल ऐसे दिखाई देगा। फिर हमें इसके ऊपर देवों के जो चित्र है वो उसके ऊपर बनाने हैं जो भगवान जगन्नाथ बलभद्र एंड सुभद्रा देवी के हैं। कोकोनट शेल के आपको 3 equal parts पहले कर लेने हैं। इक्वल पार्ट्स होने के बाद हर एक पार्ट में आपको एक एक मूर्ति का ड्राइंग बनाना है। जो सर्कल आप बनाओगे फेस के लिए वो भी एक ही लेवल में होना चाहिए और जो सेंटर की लाइन है वहाँ पे हमें पिलर्स के लिए जो ड्राइंग है वो उसके ऊपर ड्रॉ करना है। रफ ड्राइंग में आप देख सकते हैं ऊपर का पार्ट हमें ऊपर एंड बॉटम का पार्ट जो है वो बॉटम के साइड पर ड्रॉ करना है। सारी मूर्तियाँ सेंटर एंड जो पिलर्स है वो हमने 3 parts में जो डिवाइड किए वो लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। ड्राइंग के बाद हमारा ऐसे दिखाई देगा पार्ट। ड्राइंग के बाद अब हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं। कलरिंग के लिए आपको एक्रेलिक कलर्स यूज करने हैं। हम क्रोम येलो की जो एक्रेलिक कलर की शेड है वो यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पे येलो कलर की शेड चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। कलर में ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना है, आपको थिक ही कलर अप्लाई करना है। ओडिशा आर्ट फॉर्म में ब्राइट कलर्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं जैसे कि येलो कलर है, रेड, पिंक, ब्लैक, वाइट, ग्रीन शेड, ये ज़्यादा करके यूज़ किए जाते हैं। सो फटाफट हम पहले जहाँ पे येलो शेड समय दे देने हैं वहाँ पे वो कंप्लीट कर लेते हैं कलरिंग।
येलो कलर कंप्लीट करने के बाद हमें रेडिश पिंक कलर की शेड लेनी है और वो हमें जो फ्लावर के उसके ऊपर के पेटल्स हैं वहाँ पे अप्लाई करना है, और जहाँ जहाँ पे हमें ये शेड रिक्वायर है वहाँ पे हम ये शेड दे देते हैं। से कलरिंग होने के बाद हमें रेड कलर लेना है, और जहाँ पे रेड कलर रिक्वायर है वहाँ पे हमें रेड की शेड देने है, जिसे आईज का आउटर पार्ट है, उनके फेसेस है, जो उनके गले में हमने हाथ दिखाए फूलों के वहाँ पे भी हमें यह अप्लाई कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो सारे शेप्स को हमने कलर कर लिया है। अभी जो बैकग्राउंड है वहाँ पे हमें कलर अप्लाई करना है। बैकग्राउंड में हमें ब्लैक कलर की जो शेड है वो अप्लाई करनी है। सो ब्लैक कलर पैलेट में लेके आपको इवनली पूरा जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर वो कलर अप्लाई करना है। पूरा बैकग्राउंड कलर करके हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी हमें रेड कलर से पूरे जो शेप से उसके ऊपर आउटलाइन कर लेनी है।
से आउटलाइन होने के बाद ब्लैक कलर आपको लेना है, एक्रेलिक कलर, एंड उससे जो छोटे छोटे डिटेल्स है फेस के ऊपर के वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ब्लैक के आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद हमें व्हाइट कलर लेना है और उससे जो फेसेस के ऊपर जो डिटेलिंग पार्ट्स है वो हमें कंप्लीट कर लेने हैं, एंड जो बैकग्राउंड में छोटे छोटे डिजाइन है, डेकोरेटिव पार्ट्स है, वो हमें कंप्लीट कर लेने हैं। तो आप देख सकते हो हमारा आर्ट पीस बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो प्लीज़ आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोकोनट शेल पेंटिंग इन इजी वे। थैंक यू।